प्रथम पहल का न्यूज। पेट्रोल और डीजल की बढ़ी कीमतों के खिलाफ आज के दिन कांग्रेस के द्वारा देश भर में ये प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और पेट्रोल और डीजल की बढ़ी कीमतों के खिलाफ विरोध जताया। हरियाणा से भी विरोध प्रदर्शन की कई तस्वीरें देखने को मिली। ये तस्वीर कैथल जिले से सामने आई है, जहाँ पर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला के नेतृत्व में ये पूरा प्रदर्शन किया गया। कैथल में तस्वीरें थोड़ी अलग देखने को मिली, क्योंकि यहाँ पर बैलगाड़ी के जरिए विरोध जताया गया। आगे आगे बैलगाड़ी थी और कांग्रेस के कार्यकर्ता पीछे से धक्का लगाते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए दिखाई दिए। इस दौरान रणदीप सुरजेवाला भाजपा सरकार पर निशाना साधा। बढ़ती गैस की कीमतें, बढ़ती पेट्रोल और डीजल की कीमतें, आसमान छूती कीमतों में हरियाणा और देश की जनता की कमर तोड़कर रखती है। महंगी गैस, महंगा तेल, बंद करो ये लूट का खेल, इस नारे के साथ कांग्रेस के साथियों ने आज ये आंदोलन किया। प्रतीकात्मक तरीके से बैल के साथ ट्रैक्टर को खींचकर ये संदेश देने का भी प्रयास किया कि हरियाणा और देश के अंदर अब किसान और आम जनमानस की जिंदगी बची नहीं है। अगर आप ये देखें तो पिछले 13 महीने में ही पेट्रोल की कीमतों में 26.25 रुपया प्रति लीटर और डीजल की कीमतों में 24.5 रुपया प्रति लीटर की वृद्धि मोदी और कट्टर सरकारों ने की है। 2014 में जब सरकार गई तो हरियाणा में पेट्रोल पर वैट 21% था, जो कट्टर साहब दुष्यंत चौटाला ने बढ़ाकर 30% कर दिया। डीजल पर अगर आप वैट देखें तो डीजल पर वैट 9.25% था, जो खट्टर साहब और दुष्यंत चौटाला जी ने बढ़ा के 21.5% कर दिया। 50,000 करोड़ रुपए की लूट अकेले हरियाणा सरकार ने वैट से की। और बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां तो छोटे मियां, बड़े मियां सुभान अल्लाह, मोदी जी ने 22,00,000 करोड़ रुपया पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी लगाकर लूटा। वहीं बात अगर हिसार की करें तो यहां पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता बजरंग गर्ग के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। यहां पर नेताओं के द्वारा सरकार विरोधी नारे लिखे तख्तियां हाथों में ली गई और कुछ लोग तो पेट्रोल पंप बने भीड़ का हिस्सा थे। जिसके कारण देश और प्रदेश में पूरी तरह से महंगाई बढ़ी है, जिसके कारण कांग्रेस पार्टी द्वारा आज जिला मुख्यालय के ऊपर प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी प्रकार प्रदर्शन पूरे देश और प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी द्वारा किया जा रहा है। आज पेट्रोल डीजल के साथ साथ बेहद ऐसा महंगाई देश में बढ़ी है, लाखों लोग बेरोजगार हो चुके हैं, अर्थव्यवस्था पूरी चरमरा गई है। ये केंद्र सरकार की मांग है, पेट्रोल डीजल कीमतें उनको वापिस लें, अर्थव्यवस्था कंट्रोल करें, जो लाखों करोड़ों लोग बेरोजगार घूम रहे हैं उनको रोजगार दें और हर प्रकार की व्यवस्था केंद्र और राज्य सरकार के एक केंद्र सरकार पूरी तरह से मोदी सरकार फेल हो चुकी है। देश और प्रदेश की जनता केंद्र प्रदेश सरकार को कलता करने का मन बना। हालांकि इस पूरे प्रदर्शन में बड़ी बात तो ये रही कि कांग्रेस के नेताओं के द्वारा कोरोना की गाइडलाइन को पूरी तरह से दरकिनार किया गया था। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की पूरी तरह से धज्जियां इस पूरे प्रदर्शन के दौरान उड़ाई गई। प्रथम तहलका के लिए हिसार से परवीन कुमार और कैथल से ब्यूरो रिपोर्ट।